दोस्तों, तारक मेहता शो के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे चना कुमार और कुरमुरे कुमार की सियासी लड़ाई के बीच गोकुलधामवासी बुरी तरह से फंस चुके हैं। यहां पर दोस्तों, कुरमुरे कुमार ने सबसे पहले चालाकी करके टप्पू सेना के टेंट में अपने पार्टी का बैनर लगवा दिया था, जहां पर टप्पू सेना जो है वो गरीब मजदूर भाइयों को पानी और छाछ बांट रही थी, लेकिन इसका फ़ायदा ले रहा था कुरमुरा कुमार। और जैसे ही ये बात चना कुमार को पता चली, तो चना कुमार जो है वो अपने दोस्त यानी कि जेठालाल को साथ लेकर आ जाता है टप्पू सेना के टेंट के पास, और वो भी बोलता है कि अगर आप लोग कुरमुरे कुमार का जो बैनर है उसको नहीं हटाते हैं तो आपको मेरा भी बैनर जो है वो टप्पू सेना के टेंट के साइड में ही लगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जो चना कुमार है उसने अल्टीमेटम दे दिया है गोकुलधाम वासियों को कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसका एक बैनर और एक टेंट जो है वो बन जाना चाहिए, जहाँ पर लोगों को फ्री में ताज़ी और ठंडी नींबू पानी मिलना चाहिए और उसके पीछे चना कुमार का बैनर लगा हुआ होना चाहिए। अब गोकुलधामवासी इस बात को मानने से इनकार तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है जहां पर वो लोगों को नींबू पानी पिलाएंगे। तो क्या चना कुमार को इसका फ़ायदा मिलेगा? इंतज़ार करिए नेक्स्ट एपिसोड का।